हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हमारे पीछे देख रहे हैं हम गाजीपुर ज़िले के खुरपी। ये खुरपी एक वो केंद्र है जहाँ पे सभी लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं और यहाँ पे वो महसूस करते हैं जो हर प्रदेश में होता है लगभग। अभी देख रहे हैं हमारे पीछे एक ऊँट दिख रहा है, तो ऊँट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम राजस्थान में आ चुके हैं। और अंदर भी चलेंगे और भी कुछ बहुत चीज़ें दिखाएंगे जिसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, हाँ हम गाजीपुर नहीं हैं, कहीं और हैं। तो गाजीपुर में ऐसे एक से एक विकास हो रहे हैं और घूमने लायक स्थान जो है बनाया जा रहा है, बन रहा है, और यहाँ पे लोग आते भी हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे आना है आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर आने का रास्ता, अंदर बहुत कुछ है हम दिखाएँगे, लेकिन जहाँ पर हम हैं ये हरिहरपुर है। बगल में हरिहरपुर काली माँ के नाम से प्रसिद्ध है, आप लोग जानते होंगे। गाजीपुर के पहले ही, अगर वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं तो गाजीपुर से पहले ही फतुल्लापुर पड़ता है। फतुल्लापुर से आप अगस्ता पूछते हुए आ जाएंगे और जैसे ही आप फतुल्लापुर चाहे अगस्ता कहीं भी आप नाम लेंगे, खुरपी जाना है हमें, तो वो लोग रास्ता आपको बता देंगे। तो मेन रोड से जैसे ही आप उतरेंगे तो वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी ये खुरपी का केंद्र है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। और पीछे देखिए इधर एक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, जो कि अपना कुछ सुझाव है वो डाल सकते हैं। और ऊँट को थोड़ा एक बार पास से देख लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अंदर, कैसा कैसा स्थिति है वो दिखाते हैं, क्या लगता है यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे ही आप खुरपी के केंद्र के गेट पे पहुंचेंगे तो आपको ये दिखेगा बोर्ड, और ये एंट्री गेट है। तो इधर तो आप यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए खुरपी, खुरपी नेचर विलेज लिखा गया, और यहाँ पे आपका हार्दिक स्वागत करता है, मतलब यह केंद्र जो है आपका स्वागत करता है। यहाँ पे जो है एंट्री टिकट है 20 रुपया, घोड़ा टिकट 50 रुपया, और वोटिंग टिकट जो है 25 रुपया। अंदर है सब कुछ दिखाएंगे, तो हम पहले गेट से एंट्री करेंगे। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो हमारे दाहिने साइड में देखिए इधर इनका मेन चैम्बर है, यहीं से आप टिकट कटाएंगे। भैया कैसे कैसे टिकट यहाँ पे निकाला जाता है, क्या क्या है? 20 रुपये का भैया एंट्री टिकट है जी। 20 रुपये का एंट्री टिकट, तो पूरा प्रांगण घूमने का है जी, जी। और क्या क्या यहाँ पे मिलेगा? जैसे नाव की सुविधा है, नाव चलाने का, बोटिंग का और हॉर्स राइडिंग का, उसका टिकट अलग से है। अच्छा अच्छा, तो मतलब सब जगह का टिकट यहीं पे मिल जाता है। तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि नहीं आगे नाव में घूमना है या फिर क्या क्या है, ये सब कैसे पे बता दिया जाता है? आगे में बोर्ड भी लगा हुआ है जी, वहाँ पे तीन चीज। ये जो है झोपड़ी, एकदम गांव का पूरा देसी, और देसी दुकान है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वो अनुभव होगा बिल्कुल गाँव की तरह, और गाँव एक फैशन के रूप में वो दिखाई देगा आप। चलिए हम आगे अभी और जगह दिखाते हैं आपको। ये देखिए गमला लगाया गया है, गमला में जो है फूल है, और कुछ ये भी सीन आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि हम कहीं जो है उस जगह पे हैं जहाँ पे लोग देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए इधर मुर्गी, और ये भी लग रहा है मुर्गी, एक ही शुतुरमुर्ग है, समझ में नहीं आ रहा है हमको। चलेंगे बात करेंगे आगे भी, जानकारी लेंगे। इधर भी देखिए बंदर, छोटा बंदर मंकी है। इधर देख लीजिए पास से, ओए दांत थोड़ा सा पास से लीजिए। ए क्या क्या नाम है आपका, आपका नाम क्या है? ए नहीं बोल रहा। चलिए इधर भी देख लीजिए, ये देखिए किस प्रजाति की मुर्गी है। जो वहाँ पे टिकट
लगेगा तो इस घोड़े के ऊपर सवार करके आप जो है अंदर घुमाएंगे आपको। ये हमारा गुजराती नस्ल का घोड़ा है। अच्छा जी, इस पे हमारे यहाँ लोग आते हैं और इस पे बैठते हैं, बैठने के बाद में 50 रुपए का टिकट है इसका। जी, तो कहाँ, अंदर ही घूमते हैं या फिर बाहर? नहीं, आगे वाले ग्राउंड में। अच्छा, वो सामने ग्राउंड था। और यहाँ पे क्या, प्रभु की रसोई में अनाज यहाँ दान करें और अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें, इसका मतलब सर? जी, यहाँ पे एक प्रभु की रसोई चलती है जो कि निशुल्क चलती है। अच्छा अच्छा जी, लोगों के सहयोग से एक हमारी रसोई चलती है जिसमें कि प्रतिदिन 400 से 500 लोग, आसपास के जितने लोग हैं सब लोग खाना खाते हैं, लंगर की तरीके से। जी, जी। इसमें ये सुविधा है कि आप अपने से प्लेट उठाइए और सीधे उसमें जाइए, धोइए और खाइए, फिर उसके बाद अपने से यहाँ पे प्लेट ले आके आपको रख देना है। भैया, ये कौन कौन सी नस्ल की गाय हैं? ये HF है, आगे गिर है जी, और साहिवाल है। तीन नस्ल की। इनका दूध देते होंगे? जी जी जी। कितना लीटर इनका दूध? लगभग इसका दूध मान के चलिए कि 10 लीटर एक टाइम है। अच्छा, 10 से 12 लीटर। और अगले जी सबका इसी टाइप। अच्छा, से जी जी 10 से 12 लीटर। तो अच्छा, इस नस्ल के कोई अगर गाय फिर लेना चाहे तो उसके लिए फिर क्या कुछ है यहाँ से? नहीं, यहाँ से तो केवल हम लोग दूध को सेल करते हैं। अच्छा जी, बॉटल में हम लोग पैक करके और दूध को हम लोग सेल करते हैं। और ये डॉग है सर? जी, ये रॉटविलर डॉग है। अच्छा अच्छा, ये क्या क्या खाते हैं सर? ये सब, ये तो सब चिकन वगैरह। तो कैसे व्यवस्था होती है? जी, वो सब आता है, सब अपना खाते रहते हैं। अच्छा, जी, तो देखिए कितना शेर के जैसा, आप लोग डर जाएंगे। थोड़ा पास एक बार देख लीजिए, जबड़ा, यानी कि शेर के जैसा जबड़ा। एक डॉग और गांव में तो ऐसे बहुत होंगे लेकिन इनके जैसे नहीं देखे होंगे आप। प्रभु की रसोई का मेन वहाँ पे जो खाना खाते हैं बैठकर वो है। और ये क्या बन रहा है भैया जी? इसमें काम चल रहा है, इसमें हमारा कि इसमें मछलियाँ रहेंगी जो आपको गोल सा जिसमें पानी दिख रहा है जी, और इस पे आपका झोपड़ी बन जाएगा, फिर इसमें आप लोग बैठ के आनंद ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, अभी तैयार हो जी, तैयार हो रहा है, ये एक महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अभी काम प्रगति पे है, मतलब यहाँ पे लोग अपना थाली धोते हैं जी। इधर देख लीजिए दोस्तों, नोटिस भी लगाया गया है, कृपया अपनी थाली यहाँ बारी बारी से साफ करें, उसके बाद आगे जमा करें। यानी जहाँ से आप थाली उठाए हैं वहीं से लाएंगे और यहाँ पे जो है खाना खाएंगे, इसके बाद जो है यहाँ थाली धोना है। कुछ इधर भी है, आप लोग देख लीजिए भोजन, ये पर डे का है कि किस दिन कौन सा है इसमें खाना बनता है। प्रभु की रसोई, देखिए आरती का समय है 4:30 बजे शाम को, और भोजन का भी समय है 5:00 बजे, और ये 7:00 बजे तक, यानी कि 2 घंटा भोजन का समय है। और ये जो है मेन्यू है, क्या क्या किस दिन जो है बनेगा। अच्छा सर, इसका मतलब क्या, हम नहीं समझा, ये जूते का रैक है। अच्छा, जैसे जो लोग आते हैं अपना सबसे पहले यहाँ पे चप्पल उतारते हैं, चप्पल उतारने के बाद में जी इसमें आपका चप्पल रखेंगे, फिर इसके बाद अंदर एंट्री करेंगे। देखिए दोस्तों, सभी लोग घर पे तो बिना जूता चप्पल निकाले ही भोजन कर लेते हैं, कहीं कहीं खाट पे बैठ के भोजन कर लेते हैं, और कोई कोई तो चप्पल पहन के किचन में ही भोजन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज है, और सभी धर्म में भोजन का तो सभी लोग सम्मान करते हैं, तो एक तरह से जो सम्मान करना चाहिए तो वो सम्मान की व्यवस्था यहाँ पे है। और देसी बिल्कुल नेचुरल, यानी आप जो है चप्पल जूता बाहर निकाल के इसमें भोजन करेंगे, और वो भी नीचे दरी पे बैठ के, आगे टेबल रखा गया है उस पे जो है भोजन करेंगे आप। प्रभु की रसोई के सेवार्थ, वह लोग जो प्रभु की रसोई में व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं, सभी लोग का नाम के ऊपर देख सकते हैं। और ये तो काट रहा है, डर लग रहा है। हाँ।
बताइए कहाँ से आए हैं? हाला से। हाला से क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे? भोजन करने के लिए। क्या करने के लिए? भोजन करने के लिए। अच्छा, कब, कितने बजे? 4। दोस्तों को, इन लोग को समय भी पता है कि कितने बजे यहाँ पे प्रभु की रसोई चालू होगी। तो आप डेली आते हो क्या आप लोग? जी। अच्छा, यहाँ का खाने का आनंद अलग है ना? आप कहाँ से हैं? नहीं बोलते हैं ये लोग भी आए हैं यहाँ पे। आप लोग बताइए, आप यहाँ पर प्रभु की रसोई में सब लोग आए हैं? हाँ। तो डेली आते हैं लोग? नहीं, कभी कभी लोग आ जाते हैं। अच्छा, तो बच्चे तो डेली आते हैं लोग। अच्छा, आदमी जैसे गांव में बुजुर्ग बुजुर्ग हैं, कभी कभी आ जाते हैं, जैसे आनंद लेने, कुछ अच्छा है यहाँ पर देखने के लिए आते हैं लोग। अच्छा अच्छा, इन लोग को बहुत काफी आनंद आता है इसलिए डेली आ रहे हैं। हाँ, खाने खाते नहीं है ज्यादा है लोग, बस वही आते हैं, आनंद लेते हैं लोग। क्यों जी, भोजन नहीं करते हो, खाली आनंद लेने आते हो? खाएंगे। क्या खाओगे? दाल भात। दाल भात। आप क्या खाओगे? कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग बताया करते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे घूमने आए हैं अभी। अच्छा। हाँ, कुछ काम वाम नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, हम काम नहीं करते, वही आए हैं, हम भी खाने ही आए। अच्छा, आप भी प्रभु की रसोई में भाग लेने के लिए आए? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, भोजन प्रसाद के लिए ना। चलिए ठीक है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा हमारे वीडियो में, एक मैं बत्तख दिखाया था, तो उसे बताया था कि जो बत्तख कई प्रजाति की होती है, जिसमें वो एक प्रजाति थी जिसने जिसको आप लोगों ने देखा, दूसरी प्रजाति ये है जिसका नाम हंस है और हंस के नाम से जाना जाते हैं सब। ये देखिए इनकी आवाज़ देखिए, देखिए इनकी आवाज़ ये है, और ये भी पानी में तैरती हैं। और कुछ आगे भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल नेचुरल, देखिए गुस्सा कर रही है। ये देखिए, आप जो टिकट लेकर आएंगे यहाँ पे कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और ये देखिए देसी, एकदम बिल्कुल देसी, ऊपर है छाया, और ये जो LED बल्ब लगा है इसको खांची के अंदर है, हमारी भाषा में खांची इसको बोलते हैं, और खांची छिट्टा, और उसी में जो है ये बल्ब लटका दिया गया है, जिसका प्रकाश जो है दाहिने बाएं नहीं जाएगा, बिल्कुल नीचे आएगा। पानी के अंदर ये तालाब है, और तालाब के अंदर वो मंच बनाया गया है जिसमें जाने के लिए उस साइड से सीढ़ी बनाया गया है, और वहाँ पे लोग पार्टी करते हैं, जिसका बर्थडे होता है या किसी का शादी का एनिवर्सरी होता है या फिर कुछ भी जो है वैसा पार्टी मनाते हैं लोग, तो सबसे पहले वो लोग बुक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस समय लोग आते हैं जिस समय यहाँ पे आनंद आता है, धूप नहीं रहती है, छांव रहता है, सब कुछ, मतलब हर मौसम का यहाँ पे आनंद आता है, उस समय लोग आते हैं, तो पहले से ही जो है उसे बुक किया जाता है, इसके बाद वहाँ पे पार्टी उटी करते हैं। और ये नाव आगे मैं दिखाऊंगा, उधर से थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमको जाने से मना कर रहे हैं सर, देखिए लग रहा है काट देगा। इस पे दो आदमी बैठ सकते हैं, तीन आदमी बैठ सकते हैं, और उसमें पैडल होता है चलाने के लिए, इसी तालाब में चलाएंगे, जिसका किराया लगता है। यानी आप जो है गाजीपुर ज़िले में खुरपी में आने के बाद उस झील का भी आनंद ले लेंगे, जिस झील में घूमने के लिए आप जाते हैं, नैनीताल या गुजरात या फिर गोवा या फिर कहीं और भी, तो वो आनंद जो है गाजीपुर ज़िले के खुरपी केंद्र में भी आपको मिलेगा। और गाजीपुर ज़िले का नाम तो ऐसे ही आप लोग को पता ही होगा, कितना महान गाजीपुर है, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हर चीज़ में, पे एक से एक ऐसे वीर हैं जो देश की सेवा के लिए जाते हैं, हर घर से वीर जाते हैं और देश की सेवा करते करते जो अपने जान को जो है आहुति दे देते हैं, लेकिन फिर भी जो है देश की सेवा करने से पीछे नहीं हटते, वो गाजीपुर धरती है। एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जो मतलब जो किसी काम का नहीं होता है वो चीज़ यहाँ पे देखिए काम का आ रहा है। यानी कई जगह मैं देखा हूँ तरकुल, जो तरकुल सूख जाता है उसको काट के जो फेंक देते हैं, ताड़ का पेड़ जिसे बोलते हैं, वो ताड़ का पेड़ देखिए यहाँ पे लगाया गया है, और अंदर से
ये तो खोखला ही होता है, थोड़ा बहुत साफ कर दिए हैं, जो 100 पीस के जैसा है, खंभे के जैसा। चारों तरफ देख रहे हैं वही चीज़ लगा हुआ है, और एक डॉग उधर भी है, वो भी देख रहे हैं पूरा जबड़े उसका बड़ा। देखिए दोस्तों, अगर इसको बाहर छोड़ दिया जाएगा ना, तो सच में डर के मारे जो है अब क्या हाल होगा, आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं। इतना बड़ा जबड़ा शेर से बिल्कुल कम नहीं है। अगर शेर से लड़ने के लिए इसको अगर एक बार छोड़ दिया जाएगा ना, तो शेर भी भाग जाएगा दुम दबा के। ये है डॉग, जबड़ा इसका थोड़ा पास से देख लीजिए कितना बड़ा जबड़ा है, बिल्कुल भयानक और बड़ा। यह शायद पाकिस्तानी डॉग है। प्रभु की रसोई में देखिए भोजन की थाली और टेबल पर वो भी व्यवस्था, सारी व्यवस्था रेडी हो गई है। जैसे ही समय होगा सब पे जो है आ जाएंगे लोग भोजन के लिए, भोजन प्रसाद के लिए। हमारे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये इस गाड़ी पे हम सवारी किए हैं। हमारे गांव पे जो है खच्चर था और इसका ज़्यादा प्रयोग था, क्योंकि हमारे जो सड़क थी नंदगढ़ से सादियाबाद वाले मार्ग, उस पे ज़्यादा जो है घोड़ा पहले चलता था। और वहीं नहीं, हर जगह कई जगह जो है ज़्यादा इस साधन का प्रयोग होता था, क्योंकि पहले इतना साधन नहीं था, तो इसी का घोड़ा के द्वारा जो है प्रयोग किया जाता था। लोग इस पे सवारी करते थे, मार्केट जाते थे, सामान लाते थे, सब कुछ इसे। अभी भी जो है कई जगह जो मैं देखा हूँ कि अभी भी ये चलता है, और कभी समय मिलेगा तो मैं आप लोग को वहाँ का भी वीडियो दिखाऊँगा, और प्रेजेंट टाइम में जो है इस पे जो है सवारी करके भी दिखाऊँगा। तो ये है, और ये डोली, ये भी जो है पहले इस पे जो है दूल्हा दुल्हन बैठ के जाते थे लोग, अब इसका रीति रिवाज ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ खुरपी पर आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम हैं खुरपी केंद्र हरिहरपुर के पास और गाजीपुर ज़िले में। आप लोगों ने देखा यहाँ का पूरा दृश्य देखा, और कितने घोड़े बड़े बड़े और डॉग सब कुछ आप लोगों ने देखा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई राय तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।